बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई नजर डालते हैं खबरों की ओर। देश में बीते 24 घंटे में 7,992 नए केस आए, सामने 393 मरीजों की हुई मौत। ओमिक्रॉन के केस आने के बाद मुंबई में धारा 144 लागू, रैली जुलूस पर प्रतिबंध। शहर में संपन्न हुआ विधान परिषद के चुनाव, 90% से ऊपर हुआ मतदान, 14 दिसंबर को आएंगे नतीजे। शहर में एक बार फिर दिखाई दिया मगरमच्छ, शनिवार की सुबह धंतोली जोन के बाहर नाले के पास दिखाई दिया मगरमच्छ। पुलिस कर्मी को लात मारी, कोर्ट ने ठोका 20,000 रुपए का जुर्माना। पत्नी को जिंदा जलाने का प्रयास, पति को 5 वर्ष की कारावास। एसटी हड़ताल, फिर 3 बस कर्मचारी सस्पेंड, गणेशपेट डिपो से रवाना हुई 7 बसें। शादी में नकदी समेत 3,60,000 का माल उड़ाया, नाबालिग समेत 4 आरोपियों की तलाश, यशोधरा पुलिस थाना अंतर्गत का मामला। सट्टे की ख्याली करते 2 गिरफ्तार, जोन 1 की कार्रवाई, 61,490 रुपए का माल जब्त। ऊर्जा मंत्री ने कन्वेयर बेल्ट का किया निरीक्षण, खापरखेड़ा फायर ऑडिट का आदेश। बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।